सिविल लाइन थाना अंतर्गत मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र पिछले दो दिनों से लापता है। स्कूल प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लापता छात्र की तलाश शुरू कर दी। पुलिस कार्रवाई में लापता बच्चा मुंबई में होना बताया गया है, जो देर रात तक अजमेर पहुंचेगा। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुनील चारण ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र स्कूल से अचानक लापता हो गया। स्कूल प्रशासन ने उसके परिजन से फोन पर जानकारी चाहने पर पता चला अर्णव वहां भी नहीं पहुंचा। अर्णव स्कूल में किसी को बताए बगैर ही स्कूल से निकल गया और वापस नहीं आया। कल 1 तारीख को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के प्रिंसिपल की तरफ से एक FIR प्राप्त हुई कि उनके स्कूल का 8वीं कक्षा का एक बालक जो 31 तारीख की रात को लापता स्कूल से लापता हो गया, इसको आखिरी बार स्कूल में करीब 8:30-9 बजे देखा गया था। इस संबंध में स्कूल से प्राप्त परिवार पर प्रकरण दर्ज किया गया है और टीम गठित की गई है। उसकी तलाश हेतु CCTV फुटेज, अभय कमांड सेंटर, रेलवे स्टेशन इत्यादि से सभी जगह से चेक किए जा रहे हैं और अपुष्ट सूचना इतला के मुताबिक उसकी तलाश हेतु बॉम्बे भी भिजवाया जा रहा है। संभावित रूप से उसकी वहाँ उपस्थित होने की। खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।